नुमाइश आए और मेरी उम्र 26 साल की है। मैं देखने में काफी सुंदर हूँ और बहुत ही मस्त भी हूँ। मुझे जो भी कोई देख लेता है तो उसका मन मुझे छूने को करता है, क्योंकि मेरी फिगर यही इतनी मस्त की क्या करे। पर हाँ, मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ, पर जो भी मुझे देखता है तो उससे इस बात का यकीन भी नहीं हो पाता कि मेरी शादी हो रखी है। इसलिए मैं सबको यकीन दिलाती हूँ और उन सब के लड़ से खुद को बचाती हूँ। अब मैं आपको अपनी कहानी पर लेकर चलती हूँ, जो कि सच्ची कहानी है और बहुत ही मस्त कहानी भी है। ये कहानी तब की है जब मेरी शादी को करीब 7 या 8 महीने ही हुए थे। मैं अपने ससुराल में काफी खुश थी और काफी मौज मस्ती भी किया करती थी। मेरे ससुराल में मेरे पति और ससुर जी ही थे, क्योंकि मेरी सास नहीं है, इसलिए मैं ससुर जी से ही अपनी कुछ बातें शेयर कर लेती हूँ। मेरे ससुर जी भी फौज में से रिटायर्ड है और अभी भी काफी ज्यादा फिट है। जब मैं इस घर में नई नई शादी करके आई थी तो मुझे लगा था कि मेरे ससुर काफी गुस्से में होंगे, पर जब उनके साथ रहने लगी तो पता चला कि वो तो काफी अच्छे नेचर के हैं। अब मुझे उनके साथ रहने में कोई डर भी नहीं लगता था और मैं अब काफी खुश भी रहती थी। उधर मेरे पति मेरे जीवन साथी भी काफी ज्यादा स्मार्ट है, जिन्हें देखते ही मैं उन पर फिदा हो गई थी और मेरा दिल पहली नजर में ही उन पर आ गया था। मेरे पति मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और करें भी क्यों ना, आखिरकार मैं उनकी इतनी खूबसूरत बेबी जो हूँ। जब मेरी शादी हुई ही थी तो सुहागरात के समय पर उन्होंने मेरे साथ वो रात काफी ज्यादा अच्छे से और काफी ज्यादा खूबसूरत बनाई थी। उस दिन मैंने अपने पति को अपना पूरा जिस्म दिया था, जिसे पाकर वो बहुत खुश थे और वो भी क्यों ना, आखिरकार उनकी बीवी थी इतनी खूबसूरत और चिकनी, जिसकी वजह से उस सुहागरात वाले दिन को मेरे जिस्म ने 4 चांद लगा दिए थे। मैं अपने पति से अब तक डेली रात को जोड़ती हूँ और वो भी मुझे बहुत ही ज्यादा मस्त तरीके से आजे से जोड़ते हैं। उनसे जुदाई कर तो मेरी जू की प्यास कभी खत्म ही नहीं हो पाती और मान करता है कि अपने लग से ऐसे ही बस जोड़ती चली जाए। उधर मेरा मान भी अब माँ बनने को करता था और मेरे ससुर जी भी एक पोते पाने की जिद लेकर बैठ गए थे। मेरे पति ने काफी बार कोशिश करी कि मैं प्रेग्नेंट हो जाओ, पर ऐसा हर बार हो ना सका। इसलिए मैंने डॉक्टर से खुद के और अपने पति के टेस्ट भी करवाए। तो डॉक्टर ने हमें बताया कि मेरे पति में कुछ कमी है, जिसकी वजह से मैं मां नहीं बन पा रही थी। पर मेरे पति इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें तो यही था कि ये सब झूठ है और समय आने पर मैं खुद प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। पर मैं ये जानती थी कि जो मेरे पति कह रहे वो उनसे तो नहीं होने वाला था, इसलिए मैंने अपनी माँ बनने की ख्वाहिश और ससुर जी को पोता देने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाया, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे ससुर जी मुझे कई बार गंदी नजर से देखते थे और ये सब देखकर मैं अपना सिर नीचे करके बाहर से निकल जाती थी। पर अब तो मैं माँ बनना चाहती थी, इसलिए सोचा कि क्यों ना अपने ससुर से ही जुदाई करी। फिर मैंने एक दिन घर के काम करते हुए जोर से चिल्लाई। मेरे ससुर जी कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे और मेरी आवाज सुनते ही भाग कर मेरे पास आए और बोले कि क्या हुआ बहू। मैं भी कमर पर हाथ रखकर बोली कि पापा जी, लगता है कमर की नस चाट गई है और बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। मेरी बात सुनकर पहले वो थोड़ा घबरा गए और फिर बाद में मैंने जब उनसे कहा कि कमरे में ले चलो, तो उन्होंने मुझे कमर में हाथ डालकर पकड़ा और धीरे धीरे अंदर ले गए। उनके हाथ लगने से मेरे जिस्म में मानो आग सी लग गई थी और तब मैंने जानबूझकर अपना हाथ उनके लंड पर रखकर एकदम से हटा लिया। जैसे ही मैंने हाथ हटाया तो मैंने देखा कि मेरे ससुर जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अब वो मुझे बेड पर बैठा कर लेटा दिया और बोले कि मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ।
तब मैं उन्हें रोकते हुए बोली कि डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इफा मेरी आलमीरान में है, और अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है तो आप ही लगा दो। मेरी बात सुनकर वो बोले कि क्यों ही मैं लगा देता हूँ। अब मैंने उनसे कहा कि मेरी साड़ी उतार दो, तो वो हिचकिचाते हुए मेरी साड़ी उतरने लगे। अब मैं उनके सामने सिर्फ पटटी को आर्ट और ब्लाउज में ही थी। फिर मैंने अगले ही पल उन्हें ब्लाउज की खोलने को कहा तो उन्होंने खोली और मालिश करने लगे। मुझे उनसे मालिश करवाने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। फिर मैंने देखा कि उनका लंड उनके पजामे में खड़ा हुआ था जिसे वो बैठने की कोशिश कर रहे थे। तब मैं उनसे बोली कि अपना पजामा उतार दो, तो उन्होंने भी उतार दिया। फिर मेरे कहने पर उन्होंने ब्रा के खोल दिए और मैंने ब्रा अलग कर दी और पटटी को आर्ट का नदा भी खोल दिया। अब मैं उनके सामने सिर्फ पनटी में थी और फिर वो मेरी टांगों पर भी मालिश करने लगे और साथ ही साथ पनटी में हाथ डालकर मेरे बॉम्ब दबाने लगे। मेरे ससुर जी ने अब बिना कुछ देखे अपना लंड निकाला और मेरे ऊपर लगते हुए बोले कि अब और इंतजार नहीं होता, अब इस लंड को अपनी चूत दे ही दो। ससुर जी ये सब प्लान मैंने चुपी आपका लंड पाने के लिए ही तो किया है। मेरी ये बात सुनकर उन्होंने मुझे सीधा किया और मेरे बॉक्स को जोर जोर से मसालते हुए लंड को चुप पर रखकर एक जोरदार धक्का दिया। वैसे तो मैं अपने पति से चुदती थी, पर अपने ससुर का लंड पाकर मेरी चीखें निकल गई थी क्योंकि मेरे पति का लंड काफी बड़ा था और वो मुझे जोर जोर से चौंधी चाहिए थे। मैं उन्हें रोक भी रही थी पर वो कहां रुकने वाले थे। मैं ससुर जी मुझे पहले मिला होता तो मैं आपसे ही शादी कर लेती। ससुर हाँ बेटी, क्योंकि तुम्हारे सास की जोत भी ऐसी नहीं थी, काश तुम मुझे पहले मिली होती। हमारी इन सब बातों में जुदाई चली ही जा रही थी और कमरे में खतच खतच की आवाज आ रही थी। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे मंगना दो। तब उन्होंने मेरी चूप को फाड़ कर अपना सारा पानी चूप में ही निकल दिया और फिर बाद में मेरी भी मारी, जिसको मरवा कर मुझे भी बहुत मजा आया। अब मैं 9 महीने बाद एक बहुत ही सुंदर लड़के को जन्म दिया है, जिसको पाकर मेरे पति भी काफी खुश है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनका बेटा है। पर सच बात तो मैं जानती हूँ कि ये किसका बेटा है।